अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू क्रोशे वर्ल्ड। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज काफ़ी टाइम बाद मैं अपना वीडियो कंटिन्यू कर रही हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ब्लेस्ड विद अ बेबी। और आज से इंशाल्लाह मैं अपनी पूरी रूटीन बनाऊँगी, मैं अपने वीडियोज़ वगैरह आपसे शेयर करूँगी फर्दर। आज मैं आपसे क्या शेयर करने लगी हूँ, आज मैं आपसे शेयर करूँगी 0 to 3 month की बेबी कैप विद बियर ईयर्स जो उसके साथ अटैच होते हैं। मैं उसके आपको मेथड बताऊंगी कैसे हम बनाते हैं। आइए अपना काम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आज मैं यूज़ कर रही हूँ 3.5 mm क्रोशी हुक और रेगुलर वूल। यहाँ पे मैं ग्रे कलर की वूल यूज़ कर रही हूँ, मैं आपसे वो भी शेयर करती हूँ। इसके साथ आए अपना काम स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैं मैजिक रिंग लूँगी। मैजिक रिंग के लिए हमें चाहिए लूप बनानी है। यहाँ पर मैं एक लूप लूँगी, थोड़ा सा थ्रेड मैं शुरू में छोड़ दूँगी जिसे फर्दर एंड पे मैं स्टिच करूँगी। यहाँ पे मैं मैजिक रिंग बनाऊँगी। यहाँ मैंने मैजिक रिंग ले लिया। अब इस मैजिक रिंग में मैं क्या करूँगी, 3 chains लूँगी, 1 double crochet। इसी मैजिक रिंग के अंदर मैं डबल क्रोशे बनाती जाऊँगी। यहाँ पे मैं लूँगी टोटल 12 double crochet। इसी तरह से 3, 4, 12 double crochet। जी यहाँ पे मैंने 12 double crochet बना लिए हैं। अब जो मेरे पास चेन 3 थी उसका टॉप, यानी फर्स्ट जो मेरे पास टॉप पे चेन थी उसमें जाके मैं स्लिप स्टिच करूँगी। और इसके बाद मैंने सेकंड राउंड स्टार्ट करना है। सेकंड राउंड के लिए फिर से मैं लूँगी चेन थ्री मैंने यहाँ पे ले लिया है। चेन 3 के बिल्कुल साथ ही मैंने 1 double crochet ऐड करना है। और इसी तरह मैं हर सिंगल जो मेरे पास डबल क्रोशिया है उसके ऊपर 2 double crochet ऐड करती जाऊँगी। हर स्टिच के अंदर मैं 2 double crochet लेती जाऊँगी, तो एंड पे मेरे पास 24 double crochet हो जाएंगे टोटल। फर्स्ट राउंड में मैंने 12 double crochet लिए, सेकंड राउंड में मैं उन पे 2 double crochet ऐड करूँगी, तो मेरे पास टोटल ऑफ 24 double crochet हो जाएंगे। इसी तरह सेकंड राउंड भी कंप्लीट करेंगे। जी आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरी सेकंड राउंड भी कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद मैंने क्या करना है, फर्स्ट चेन में जाके इसको स्लिप स्टिच करना है। इस तरह से स्लिप स्टिच करेंगे। अब मैंने थर्ड रो स्टार्ट करनी है। थर्ड रो के लिए फिर से मैं स्टार्टिंग पे लूँगी चेन थ्री लेने के बाद बिल्कुल चेन के साथ वाले स्टिच में मैं लूँगी 1 double crochet। इस तरह से मैंने 1 double crochet ऐड कर लिया। उससे नेक्स्ट स्टिच में मैं 1 double crochet लूँगी। उससे नेक्स्ट में मैं लूँगी 2 double crochet। इसी तरह से मैंने हर एक चेन में 1 double crochet लेना है, उससे नेक्स्ट चेन में 2। तो ये हमारा सेट बनता जाएगा, 1 2 1 2 पूरा राउंड हम ऐसे ही करते जाएंगे। एक स्टिच में 1 double crochet, सेकंड स्टिच में 2 double crochet। इसी तरह से हम पूरा राउंड कंप्लीट कर लेंगे। और यहाँ पे हम ये इंक्रीजेस कर रहे हैं जिससे कि हमारी कैप की शेप प्रॉपर आएगी। जैसे कि आप देख सकते हैं थर्ड रो भी कंप्लीट हो चुकी है और सिंपल हमने फर्स्ट स्टिच में फर्स्ट चेन में जाके इस राउंड को भी स्लिप स्टिच कर लेना है। अब नेक्स्ट राउंड के लिए हमने फिर से चेन 3 से स्टार्ट करना है। चेन 3 से स्टार्ट करने के बाद चेन के बिल्कुल साथ जो हमारे पास स्टिच है उसमें हमने 1 double crochet ऐड करना है। और जिस तरह हमने प्रीवियस राउंड में किया था 1 double crochet 2 double crochet, इसी तरह से हम इस भी रो को कंप्लीट करते जाएंगे। पूरी रो हम ऐसे कंप्लीट करेंगे, 1 double crochet 2 1 2 1 2 पूरे राउंड को प्रीवियस राउंड की तरह हम कंप्लीट करेंगे। फोर्थ राउंड भी सेम ऐसे ही जाएगा। जी व्यूअर्स आप देख सकते हैं मैंने फोर्थ राउंड भी कंप्लीट करके उसको स्लिप स्टिच किया। अब इसके बाद फिफ्थ राउंड में मैं फिर से चेन 3 से स्टार्ट करूँगी। चेन 3 के बाद मैंने उसके बिल्कुल साथ जो मेरे पास नेक्स्ट स्टिच है उसमें 1 double crochet लेना है। इस तरह से 1 double crochet, उसे नेक्स्ट स्टिच में 1 double crochet, यानी फर्स्ट मेरे पास चेन 3 के साथ 2 double crochet और उससे नेक्स्ट में 1। इस तरह हमने प्रीवियस 2 रोज को किया था उसी तरह से मैं इस रो को भी करती जाऊंगी। 1 double crochet 2 double crochet 1 double crochet 2 double crochet और पूरी फिफ्थ रो को कंप्लीट कर लूँगी इसी तरह से जिस तरह से मैंने प्रीवियस रोज कंप्लीट किए हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरी कैप की शेप क्रिएट होने लगी है। और जैसे कि ये 0 to 3 month या न्यू बॉर्न आप कह सकते हैं उसके हिसाब से मैं बना रही हूँ, तो मैं उस हिसाब से देखूँगी मुझे फर्दर कितने इंक्रीजेस चाहिए। जी व्यूअर्स आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने 1 2 3 4 5 राउंड्स कंप्लीट कर लिए। अब 6th राउंड में मैंने क्या करना है, चेन 3 लेनी है
और मैंने हर एक स्टिच में एक एक डबल क्रोशिया ऐड करते जाना है। 6 राउंड में मैं कोई भी इंक्रीज़ नहीं करूँगी। अगर आपको 0 to 3 मंथ से अबव एज के बेबी के लिए चाहिए ये कैप, तो आपने इसमें फर्दर एक दो इंक्रीजेस करने हैं। जैसे सपोज अगर आपको 6 to 12 मंथ के लिए चाहिए तो आप एक और रो इंक्रीज़ की करेंगे। अगर आपको फर्दर चाहिए जैसे 12 to 18 मंथ के बेबी के लिए, तो आप 2 रोज़ और ऐड करेंगे इंक्रीजेस की, और आप साइज़ का आइडिया लगा लेंगे। इसी तरह से यहाँ पे जैसे मैंने 5 रोज़ की हैं, क्योंकि ये बिल्कुल न्यू बॉर्न से लेके आप समझें ऑलमोस्ट 3 मंथ्स 4 मंथ तक ये बेबी के लिए कैप है, उसके हिसाब से मैंने इसका साइज़ को एडजस्ट किया। अब मैंने सिंपल डबल क्रोशिया ऐड करते जाना है हर एक स्टिच में, और पूरा 6 राउंड कंप्लीट करना है। जी व्यूअर्स, यहाँ पे मैं अपनी 7th रो स्टार्ट करूँगी। 7th रो के लिए मैंने अपना थोड़ा पैटर्न चेंज करना है। यहाँ पे मैं लूँगी चेन 2, 1, 2। इसके बाद चेन 2 के बिल्कुल साथ वाले स्टिच में मैं लूँगी 1 डबल क्रोशिया। अब 1 डबल क्रोशिया मैंने ले लिया है, मैं स्किप करूँगी 1 चेन 2 चेन, और 3rd चेन में जाके मैं इसको करूँगी सिंगल क्रोशिए से बंद। इस तरह से यहाँ पे मैंने एक पैटर्न बनाया है। इसी तरह से फिर मैं लूँगी चेन 2, जिसमें मैंने चेन 2 बनाई है उसी स्टिच में जहाँ पे मेरा सिंगल क्रोशिया था, उसमें मैंने क्या करना है डबल क्रोशिया। अब फिर से मैं बॉटम से 1, 2 स्टिच स्किप करूँगी, 3rd स्टिच में जाके मैं क्या करूँगी सिंगल क्रोशिया। इसी तरह से फिर मैं लूँगी चेन 2, और यहाँ पे मैंने ये डिज़ाइन जो है थोड़ा सा चेंज किया है, ये सिंपल डबल क्रोशिया नहीं है। यहाँ पे मैं अगर आपको ये दिखाऊं कि ये कुछ एजेस टाइप क्रिएट हो रहे हैं, जैसे ऐसे राउंड राउंड से छोटे से एजेस से आप कह सकते हैं ये क्रिएट हो रहे हैं। और इसके लिए फिर से मैंने इस डबल क्रोशिए को बंद करना है, स्किप 1 चेन 2 चेन, और 3rd चेन में जाके मैंने सिंगल क्रोशिए से इसको इस तरह से बंद करना है। फिर से मैं लूँगी चेन 2 मैंने ले ली। अब जिसमें मेरा सिंगल क्रोशिया है उसी स्टिच में मैं जाऊंगी, एक डबल क्रोशिया लूंगी। अब नीचे से मैंने 2 स्टिच स्किप करने हैं, 3rd में जाके मैंने सिंगल क्रोशिया करना है, चेन 2, सिंगल क्रोशिया वाले स्टिच में जाके मैंने डबल क्रोशिया लेना है। इसी तरह से मैं अपनी पूरी रो बनाती जाऊंगी, यानी मैंने 2 चेन्स 1 डबल क्रोशिया, बॉटम से मैंने 2 स्टिचेस को स्किप किया, 3rd स्टिच में जाके सिंगल क्रोशिए से इसको मैंने बंद करना है। जिस तरह हम एजिंग बनाते हैं उसी तरह से मैं ये वाला पैटर्न इस कैप में बनाऊंगी। इसी तरह से चेन 2 1 डबल क्रोशिया, स्किप 1 चेन 2 चेन फ्रॉम बॉटम, 3rd में जाके मैंने सिंगल क्रोशिए लेना है। इसी तरह से चेन 2 1 डबल क्रोशिया, और बॉटम से 2 स्टिचेस स्किप करके 3rd में मैंने जाके सिंगल क्रोशिया लेना है। इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं ये डबल क्रोशिया था मेरे पास, और ये आप देख सकते हैं जो मैंने न्यू पैटर्न आपको सिखाया है, इसका और इसका काफ़ी डिफरेंस है। ये इस तरह से पैटर्न क्रिएट होता जा रहा है, 2 चेन्स 1 डबल क्रोशिया, स्किप 2 स्टिचेस फ्रॉम बॉटम, और 3rd स्टिच में जाके मैंने सिंगल क्रोशिया करना है। इसी तरह से मैं पूरी रो कम्प्लीट करूँगी। जी यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरी पूरी रो कंप्लीट हो चुकी है। अब लास्ट स्टिच है मेरे पास, मैंने इसको स्लिप स्टिच करना है। जो मेरे पास फर्स्ट यहाँ पे चेन 2 की स्पेस है, ये आप देख सकते हैं जो होल है मेन, उसमें जाएंगे और इसको स्लिप स्टिच कर देंगे इस तरह से। अब मैंने फिर से क्या करना है, इसी जगह से मैंने चेन 2 लेनी है। ये जो मेरे पास होल है इसके अंदर मैंने 1 डबल क्रोशिया ऐड करना है। जिस तरह मैंने प्रीवियस रो राउंड बनाया था उसी तरह से मैं इस रो को भी कम्प्लीट करूँगी, लेकिन मैं सिर्फ आपको ये बताऊंगी कि कहाँ से आपने स्टार्ट करना है और कहाँ पे बंद करना है। यहाँ से मैंने चेन 2 1 डबल क्रोशिया लिया। अब इसको मैंने बंद करना है। नेक्स्ट जो मेरे पास यहाँ होल है चेन 2 स्पेस का, उसमें जाके सिंगल क्रोशिया लेना है इस तरह से। और जिस तरह मैंने प्रीवियस रो में किया था चेन 2 1 डबल क्रोशिया, इसी तरह से मैं करती जाऊँगी। लेकिन यहाँ पर मैंने ये ध्यान रखना है कि जो मेरे पास टॉप पर चेन 2 की स्पेस होगी, मैंने उसमें जाके इसको सिंगल क्रोशिया से बंद करना है इस तरह से। ये आप देख सकते हैं एक डिज़ाइन पे ये दूसरा डिज़ाइन अब इस रो में बनता जा रहा है। ये प्रीवियस रो थी, अब यहाँ पे ये सेकंड रो है। इसी तरह से चेन 2 1 डबल क्रोशिया इस तरह से। नेक्स्ट मैं स्पेस में जाऊँगी सिंगल क्रोशिया, फिर से चेन 2 1 डबल क्रोशिया, नेक्स्ट स्पेस में जाऊँगी
सिंगल क्रोशिया। इसी तरह से ये वाली पूरी रो भी मैं कंप्लीट कर लूँगी जिस तरह मैंने प्रीवियस रो कंप्लीट की थी। और यहाँ पे मैंने आपको डिफरेंस बताया है कि हर स्पेस में आपने स्टार्ट भी स्पेस में करना है और बंद भी स्पेस में ही करना है। बस ये आपने ध्यान रखना है और पूरी रो ऐसी कंप्लीट होगी जिस तरह लास्ट हमने पूरी रो कंप्लीट की थी। इसी तरह से मैं पूरी रो कंप्लीट करती जाऊँगी। जी व्यूअर्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने 3 रोज बनाई हैं इसी पैटर्न से, आप देख सकते हैं। और फर्दर मैंने अभी टोटल मैंने 8 रोज बनानी है इस पैटर्न से। उसके बाद मैंने अपना पैटर्न थोड़ा चेंज करना है, वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी। यहाँ पे हमने 3 रोज बनाई हैं। अब बाकी मैं अपनी रोज़ कंप्लीट करके फिर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमने क्या करना है। टोटल ऑफ 8 रोज़ हमने इस पैटर्न से बनानी है। जी व्यूअर्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने अपनी पूरी 8 रोज़ कंप्लीट कर ली हैं और ये आपके सामने मेरा पैटर्न क्रिएट हो चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह से ये बड़ा प्यारा पैटर्न लग रहा है। जब डबल क्रोशिया के साथ आप इसको देखेंगे तो आपको खुद डिफरेंस फील होगा कि इस पैटर्न में और इस पैटर्न में काफ़ी डिफरेंस है। ये सिंपल हमारा डबल क्रोशिया था और ये यहाँ पे काफ़ी नीट, और आप देख सकते हैं होल्स इसके बंद हैं। बड़ा फाइनली ये क्रिएट हो चुका है। अब मेरी 8 रोज़ कंप्लीट हो चुके हैं इस पैटर्न की। और टोटल अगर मैं बताऊँ तो मेरे पास यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 डबल क्रोशिया की रोज़ थी, 8 इस पैटर्न की रोज थी। अब मैं नेक्स्ट क्या करूँगी वो मैं आपसे शेयर करती हूँ। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, नेक्स्ट हमने चेन 2 लेनी है, सॉरी चेन 3। जो यहाँ पे हमारे पास होल की स्पेस है जिसमें हमने लास्ट टाइम भी लास्ट रोज में भी वर्क किया था, उसमें हमने 1 डबल क्रोशिया लेना है। यहाँ पे टोटल हो गए मेरे पास 2 डबल क्रोशिया। इस तरह नेक्स्ट स्पेस में हमने फिर से 2 डबल क्रोशिया लेने हैं। उससे नेक्स्ट चेन में फिर से, और इस पैटर्न को बनाने के लिए यहाँ पे जो मैं डबल क्रोशिया वाला पैटर्न बना रही हूँ इसके लिए हमने थोड़ा सा अपने हैंड को लूज़ रखना है, ज़रा सा टाइट नहीं करना। उससे ये होगा कि यहाँ पे टाइट होने से हमारा पैटर्न जो है वो इतना अच्छा क्रिएट नहीं होगा, टाइट लगेगा। तो इसलिए हमने थोड़ा सा हैंड को लूज़ रखना है, अपनी वूल को भी थोड़ा सा लूज़ रखना है और ईजी हैंड से हमने इसको बनाते जाना है। यहाँ पर मैं हर एक होल के अंदर 2-2 डबल क्रोशिया लेती जाऊंगी और पूरी रो कंप्लीट करूंगी। इसी तरह से 2 डबल क्रोशिया इन ईच स्पेस, यहाँ पे फिर से 2 डबल क्रोशिया। जैसे कि मैं आपको साथ साथ शो भी करूं तो मेरे पास यहाँ पे इस तरह का पैटर्न बन गया है, ये आप देख सकते हैं 2 डबल क्रोशिया। और इसी तरह से मैं अपनी पूरी रो कम्प्लीट करूँगी। इसके बाद फर्दर मैं आपको बताऊँगी कि मोर मैंने नेक्स्ट कितनी रोज कम्प्लीट करनी है जिससे कि मेरी कैप की जो लेंथ है वो मेरी चॉइस के अकॉर्डिंग बन जाएगी। जी व्यूअर्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने डबल क्रोशिया वाली रो पूरी कंप्लीट कर ली है। इसके बाद मैंने नेक्स्ट रो में डबल क्रोशिया ऐड करना है। अब मैंने ये देखना है कि मुझे फर्दर कितनी लेंथ चाहिए। आई थिंक सो मुझे 2 मोर रोज चाहिए होंगी, तो उसके बाद मेरी जो लेंथ है कैप की वो कम्प्लीट हो जाएगी। यहाँ पर मैं 1 रो कम्प्लीट करूँगी, फिर मैं देखूँगी। उसके लिए मैं हर एक स्टिच में 1 डबल क्रोशिया ऐड करती जाऊंगी थ्रू आउट एंड। इसी तरह से मैं हर एक चेन में एक एक डबल क्रोशिया ऐड करती जाऊंगी, पूरी रो कंप्लीट करूंगी इसी मेथड से, हर एक चेन में एक एक डबल क्रोशिया। इस तरह से जैसे ही मैंने आपको शो किया है इसी तरह से मैं पूरी अपनी रो कंप्लीट करूँगी। जी व्यूअर्स, यहाँ आप देख सकते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह से मेरा जो पैटर्न है वो कंप्लीट हो चुका है, मेरी कैप कंप्लीट है। इसके लिए आपकी चॉइस, आप इस पर फ्लावर ऐड कर सकते हैं अगर आपने किसी बेबी गर्ल के लिए ये कैप बनाई है। यहाँ मैं बॉय के लिए बना रही हूँ इसलिए मैं यहाँ पर इस पर ईयर्स अटैच करूँगी, या फर्दर जो भी मेरी चॉइस होगी मुझे सूटेबल लगेगा वो मैं अटैच करूँगी। आपकी चॉइस है, आप इसको एज इट इज़ यूज़ कर सकते हैं या फर्दर इस पर आप कोई चीज़ अप्लाई कर सकते हैं, जैसे आप रिबन ऐड कर सकते हैं अगर आप गर्ल के लिए बना रहे हैं। अदरवाइज़ आप इसको एज इट इज़ भी यूज़ करें तो आई होप सो आपको ये पसंद आई होगी, आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अभी तक किसी ने मेरा चैनल लाइक नहीं किया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट्स वगैरह में बताइए। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे हाजिर होंगी। तब तक अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें।